नमस्कार दोस्तों, जियो जियो यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग बनाने वाले हैं 3D फ्लावर, जो मेरी स्क्रीन पे दिख रहा है ये फ्लावर हम लोग बनाने वाले हैं। तो इसके लिए हम लोग एटकैम को ओपन कर लेते हैं। हमारे पास एटकैम 2018 है, तो उसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद न्यू मॉडल में जाते हैं। न्यू मॉडल में जाने के बाद इसका साइज़ हम लोग डाल देते हैं। तो मुझे अभी वो बनाना है 100 mm बाय 100 mm में, ठीक है। 100 mm बाय 100 mm डाल दिया। mm यहाँ पे ओरिजिन कॉर्नर में रहेगा, रेजोल्यूशन फुल रहेगा, ठीक है। उसको ओके करवा देते। ओके करने के बाद क्लिप में जाते, इनपुट, इनपुट पे जाके वो जो फ्लावर इमेज है उसको हम लोग ये करते हैं और यहाँ पे उसकी साइज़ डालते हैं। 100 mm से कम लेते हो, 90 mm बाय 90 mm करवाता हूँ मैं, और F9 करके, ठीक है, F9 इतना ही करवा लेते हैं। उसके बाद में एक स्ट्रेट लाइन क्रिएट करते हैं। मैंने हमेशा बोला है कि एक रेफरेंस लाइन हमें क्रिएट करना बहुत ज़रूरी होता है, हॉरिजेंटिकल यानी वर्टिकल। तो दोनों को हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। उसके बाद में इसको हम लोग सेंटर में लाने की कोशिश करते हैं कि सेंटर में लाए, यहाँ पे बैठ जाए तो हमें काम करने के लिए ईजी पड़ेगा। ओके, ये सेंटर में हो गया। इसको ट्रांसफॉर्म टूल में जाके इसको पेस्ट करवा देते हैं। पेस्ट करवा दिया। ओके, ये डिज़ाइन पेस्ट हो गया। अब लोग अभी 2D व्यू में जाएंगे। 2D व्यू में जाने के बाद इसका जो विजिबिलिटी है उसको ऑन करेंगे। इस तरह से वो इमेज हमको दिखने लग जाएगा। लगने के बाद अभी हमें 2D में वर्क करना पड़ेगा। तो 2D वर्क करने के लिए सबसे पहले हम लोग सर्कल को क्रिएट कर लेंगे। इस तरह से कोई भी एक रेफरेंस पॉइंट पकड़ो। मैं ये रेफरेंस पॉइंट पकड़ रहा हूँ, ये थोड़ा बाहर जा रहा है, इससे मतलब नहीं बनता। हम लोग रेफरेंस पॉइंट पकड़ के काम कर रहे हैं। यहाँ से सेंटर का रेफरेंस पकड़ के यहाँ से हम लोग एक रेफरेंस पकड़ेंगे, ठीक है। अभी ये जो फूल की जितनी कितनी पत्तियाँ हैं उसको ध्यान में रखेंगे हम लोग। 1 2 3 4 5 6 पत्तियाँ हैं। तो 6 पत्तियाँ क्रिएट करने के लिए यहाँ से हम लोग एक नॉर्मली लाइन ड्रॉ करते हैं। उसके बाद में ब्लॉक एंड रोटरी कॉपी में जाते हैं। यहाँ पे रोटरी कॉपी सिलेक्टेड रोटेशन सेंटर, यहाँ पे रोटेशन सेंटर हमने सेलेक्ट किया और यहाँ पे नंबर ऑफ कॉपीज़ कितना है, 6। तो हम लोग क्रिएट करेंगे 12। हमेशा उसके डबल क्रिएट करना है, रीज़न बताता हूँ मैं। ओके, 12 क्रिएट कर लिया। 12 इसीलिए क्रिएट किया हमने कि 6 तो नॉर्मली बन गया लेकिन यहाँ पे सेंटर बन गया। तो सेंटर हमेशा लगता ही है, मतलब आधा क्रॉस सेक्शन बनाओ, आधे की कॉपी करो तो सेंटर में मिल जाएगा, तो बेटर रहता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इसको क्रिएट करके यहाँ से हल्का सा और यहाँ पे इसका सेंटर बनाएंगे। ओके, यहाँ तक लाइन बन गया, इसलिए हमने वो 6 की जगह पे 12 लाइन क्रिएट करी थी। हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप डिज़ाइन बनाओगे तभी भी आपको अगर वहाँ पे लाइन अगर 6 है तो उसकी 12 क्रिएट कीजिएगा, सेंटर लाइन मिल जाती है, काम करने के लिए इजी हो जाता है। अगर 12 है तो 24 क्रिएट कीजिएगा, ठीक है। इस तरह का ये क्रिएट कर लिया। अभी इसको मैं यहाँ से लाकर यहाँ पे क्लोज़ करवा देता हूँ, यहाँ तक। ओके, क्लोज़ करवा दिया। ये दोनों को सिलेक्ट किया, जे मीन्स ज्वाइन, ज्वाइन बटन दबाया, ज्वाइन करवा लिया और यहाँ पर वेक्टर को सिलेक्ट करके मिरर कॉपी में गया और इसको अक्रॉस द मॉडल में मिरर कर लिया। फिर इसको दोनों को सिलेक्ट करके ज्वाइन, ये देखिए मैंने ज्वाइन करवा लिया। अभी देखिए, अभी ये डिज़ाइन के ऊपर क्या क्या दिख रहा है। फ्लावर के ऊपर यहाँ पे थोड़ी सी मार्किंग दिख रही है और यहाँ पे जो कर्व है वो दिख रहे हैं। तो कर्व हम तो मैन्युअली भी क्रिएट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको पहले ये जो कर्व है इसको ले लेते हैं, ठीक है। कर्व यहाँ से बना हुआ है तो इतना ही बना है उनका कर्व, ठीक है। तो थोड़ा सा मैन्युअली उसको एडजस्ट कर लेते हैं। एन बटन दबा के नोड एडिटिंग में जाके थोड़ा सा हल्का सा एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में वापस अक्रॉस द मॉडल मिरर कर लेते हैं। उसके बाद में दोनों को सिलेक्ट करके ज्वाइन करते हैं। ये हो गए ज्वाइन। अभी इसके कॉपी करते, Ctrl+C Ctrl+V दबा के कॉपी हो गया और इसको थोड़ा सा हल्का सा नीचे लेते हैं, यहाँ तक, ठीक है, हो गया। उसके बाद में इसको थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म टूल में जाकर कंट्रोल में दबा के थोड़ी सी हल्की साइज़ कम करता हूँ। ओके, फिर यहाँ पे इसको ज्वाइन कर देता हूँ राउंड में, ठीक है। इस तरह सा ये भी पार्ट हमारा बन गया। अभी रह गया हमारा सेंटर का पार्ट। तो यहाँ पे एक लाइन क्रिएट है हल्की सी, यहाँ पे लाइन हमने क्रिएट की और पे एन बटन दबाया। नोड एडिटिंग, इसको थोड़ा सा हल्का सा मैंने यहाँ पर करवा दिया, थोड़ा सा साइड करते हैं इसको। ओके, दैट्स गुड। उसके बाद में यहाँ पर भी हमने क्रिएट करवाए इस तरह से। तो इनको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और इनको सिलेक्ट करने के बाद इसको ज्वाइन कर लेता हूँ। एन बटन दबा के इसको थोड़ा सा हल्का सा एडिटिंग कर लेता हूँ, ठीक है। ओके,
थोड़ा सा फास्ट बना रहा हूँ, फास्ट इसलिए बना रहा हूँ कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, लंबा होने जाने के बाद फिर बहुत लोग देखते नहीं है फिर ऐसा, इसकी वजह से शॉर्ट वीडियो बनेगी उतनी बेटर रहेगी। ठीक है, तो ये दोनों को क्रिएट हो गया, इसको भी हम लोग सिलेक्ट करते हैं और इसको जाने के बाद इसको अक्रॉस द मॉडल, अक्रॉस द मॉडल हो गया, उसके बाद में दोनों वेक्टर को सिलेक्ट करके इनको भी हम लोग ज्वाइनिंग कर लेते हैं। ओके, ये इतना हो गया, इसको पहले मॉडल को सेव कर लेते हैं। ठीक है, मॉडल को सेव करने के लिए हम लोग मॉडल का नंबर डाल देंगे, क्या नंबर के हिसाब से है। अगर आपका मॉडल सेव नहीं है, अगर ओनली रिकवरी मोड ऑन है, तो रिकवरी मोड पे भी आप चाहे तो उसकी सेटिंग करवा के मॉडल को रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में ये हमारा पूरा ख़त्म हो गया। अभी आ गया सेंटर का पोर्शन, अभी सेंटर का पोर्शन अभी हम लोग अगर देखते हैं उस फोटो को, अगर देखते हैं यहाँ पे सेंटर का पोर्शन को हल्का सा लाइनिंग है, तो वो लाइनिंग भी हम लोग वन टाइम क्रिएट कर लेते हैं, मतलब 2D का हमारा झंझट ही नहीं रहेगा, 2D हमारा ख़त्म हो जाएगा, फिर हम लोग 3D की तरफ जाएंगे डायरेक्टली। ठीक है, इनको सिलेक्ट कर लिया, इनको सिलेक्ट करवा के फिर इनको हमने ज्वाइनिंग करवा दिया। बाद में रोटेशन सेंटर, ब्लॉक एंड रोटेशन, रोटेशन ऑलरेडी सिलेक्ट है, कितना पार्ट चाहिए, 4 पार्ट, यहाँ पे डबल करने की ज़रूरत नहीं है, ओनली 4 पार्ट हम लोग कॉपी करेंगे। ओके, नंबर ऑफ कॉपीज 4, तो इनको मैं थोड़ा सा कट करके इनको ज्वाइनिंग करवा लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे इसको कट करवा के मैं ज्वाइनिंग करवा लेता हूँ। ठीक है, सिलेक्ट सेलेक्ट सेलेक्ट सेलेक्ट, जे मीन्स ज्वाइंस ज्वाइन। ओके, इतना हो गया हमारा। इतना क्रिएट होने के बाद हम लोग डायरेक्टली अभी क्रॉस सेक्शन बनाएंगे, इसके लिए 3D करने के लिए क्रॉस सेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम लोग इस टाइप का क्रॉस सेक्शन बनाएंगे, यहाँ से यहाँ तक 0 आना चाहिए। ठीक है, इस टाइप का क्रॉस सेक्शन यहाँ पे रहेगा। ठीक है, तो ओके, और इसको मैं यहाँ पे क्लोज करवा देता हूँ इस टाइप में। ठीक है, ओके, क्लोज करवा दिया। हमेशा क्रॉस सेक्शन को क्लोज करना बहुत ज़रूरी बनता है, अगर क्रॉस सेक्शन को आप क्लोज़ नहीं करते तो डिज़ाइन सही से नहीं बनेगा। स्टार्टिंग लाइन और एंडिंग लाइन हमेशा एक लेवल में होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हल्का सा यहाँ पे ऊपर करके मैं, मतलब थोड़ा सा सही रहेगा, तो ठीक है, इसको थोड़ा हल्का सा अंदर ले लेता हूँ, वहाँ पे डेप्थ आना चाहिए। मैं यहाँ पे इतना सा गैप इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि टूल नीचे उतरना चाहिए, टूल नीचे उतरेगा तो थोड़ा गहरा ही दिखेगा, वहाँ पे थोड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, ओके, अभी कितना एमएम का है देख लेते हैं वहाँ पे, मेरे हिसाब से कितना एमएम है, 1 mm का है, लेकिन टूल उतरेगा तो गहरा ही दिखता है, गहरा ही दिखने के लिए ऐसा लगता है कि यार नीचे तक गया हुआ है, बहुत लोग वही रिक्वायरमेंट होती है कि थोड़ा गहरा जाना चाहिए। ठीक है, ओके, इनफ, इतना ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग डायरेक्टली जाएंगे 3D व्यू में। 3D व्यू में जाने के बाद यहाँ पे लेयर का ऑप्शन है। ठीक है, अगर आपने लेयर की वीडियो अगर तक नहीं देखी कि लेयर कैसे क्रिएट करने के, आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। अगर आई बटन आगे पीछे हो गया तो आप डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं हमारे चैनल पर। ठीक है, यहाँ पर हमने नया लेयर सेलेक्ट कर लिया, नया लेयर को मर्ज हाई में रख दिया, पुराने लेयर को हमने ऑफ कर दिया, नया लेयर पे काम कर दिया। यहाँ पे हमने इसको सर्कल को सिलेक्ट किया, यहाँ से गए, बाद में यहाँ पे गए एस्टूल कमांड, एस्टूल कमांड में जाके हमने ये जो क्रॉस सेक्शन था उसको सिलेक्ट किया, और यहाँ पे हमने ऐड ड्राइव, उसके बाद में ऐड क्रॉस सेक्शन, यहाँ पे स्टार्ट प्रोफाइल। ओके, इस तरह का सर्कल यहाँ पे ये क्रिएट हो जाएगा। सर्कल क्रिएट होने के बाद हम लोग जाएंगे मर्ज करेंगे, यहाँ पे मर्ज करने के बाद अप्लाई कैंसिल कर देंगे। अभी इसकी साइज़ हमने कुछ डिसाइड नहीं की कि साइज़ कितनी बनेगी। ठीक है, तो ये यहाँ पे इसकी साइज़ मैं डाल देता हूँ, यहाँ पे साइज़ 10 mm है, तो इसके साइज़ में 12 mm करवा देता हूँ। ओके, 12 mm का फ्लावर रहेगा, अप्लाई कैंसिल करवा देता हूँ। ठीक है, अभी ये जो वेक्टर हमने 2D वेक्टर क्रिएट किए थे, इनको सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे ज्वाइनिंग करते हैं। ठीक है, सॉरी, वन सेकंड, यहाँ पे हम ज्वाइनिंग करते हैं, तो ये अपर की तरफ क्यों बन रहा है, हाँ ये हमारा प्रॉब्लम था, तो इसको मैंने डी किया, इसको डी करके इसको डिलीट करवा देता हूँ और इसको क्लोज़ करता हूँ। ओके, ये क्लोज कर दिया, फिर बाहर का हम लोग डिलीट करता देते हैं। यहाँ पे ऑप्शन है 0 आउटसाइड वेक्टर, क्लिक करते ही 0 आउटसाइड वेक्टर, बाहर के जितने भी वेक्टर हैं वो डिलीट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको हल्का सा स्मूथ करने के लिए हम लोग, हल्का सा कॉर्नर ये करने के लिए हम लोग ऑफसेट करेंगे, ओ बटन दबाएंगे, ऑफसेट, बहुत साइड ऑफसेट करेंगे, यहाँ पे 2 mm डाल देंगे। ओके, 2 mm भी ज़्यादा हो रहा है, 1.5 mm का ऑफसेट देंगे। ओके, इतना ऑफसेट हम लोग देते हैं, लेकिन पिक्चर को पहले देख लेते हैं कि वहाँ पे ऑफसेट है नहीं है, फ़ोटो में क्या दिख रहा है वो देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, 1 मिनट,
अच्छा, इसमें ज़्यादा तो कॉर्नर नहीं है, लेकिन 1.5 mm का देंगे तो इनफ रहेगा। ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है। कागयाट कैम, ओके, 1.5 mm का देंगे तो बेटर रहेगा यहाँ पे। 1.5 mm का, ओके, चलेगा। 1.5 mm से भी कम कर सकते हैं यहाँ पे। ऑफसेट हम लोग, ऑफसेट 1 mm का देता हूँ मैं, ठीक है। 1 mm का इनफ है। दोनों को सिलेक्ट किया, बाद में शेप एडिटर में गया। शेप एडिटर में जाने के पास स्क्वेयर, स्क्वेयर को सिलेक्ट किया। इस तरह का स्क्वेयर ऊपर उठ रहे हैं, हम करने सब्ट्रैक। सब्ट्रैक कर दिया, इस तरह का सब्ट्रैक। ओके, अप्लाई, अप्लाई, कैंसिल। उसके बाद में ये वेक्टर को सिलेक्ट किया। ये सब जितने भी वेक्टर थे उनको सबको सिलेक्ट करना है। शेप एडिटर में जाना है, शेप एडिटर में चले गए। बाद में स्क्वेयर में करना है, इस तरह का स्क्वेयर क्रिएट हो जाएगा हल्का सा। ओके ओके, थोड़ा सा डेप दिखेगा। ओके, अप्लाई, कैंसिल। ओके, अभी मैं इसको बॉटम से कट करता हूँ कुकी कटर से। यहाँ पे कुकी कटर है, कुकी कटर से हमने कट कर दिया, कट हो गया, ठीक है। कुकी कटर से कट करने के बाद यहाँ पे देखिए थोड़ा सा। ओके, ठीक है, कुकी कटर में कट किया। बाद में हम लोग जाएंगे ब्लॉक एंड रोटरी कॉपी में। रोटरी और रोटेशन सेंटर हमारा सेलेक्ट है। अभी कितना ऑब्जेक्ट चाहिए? 6 ऑब्जेक्ट, 6 ऑब्जेक्ट अप्लाई, 6 ऑब्जेक्ट हो गया। और इसको हम लोग ट्रांसफॉर्म टूल में जाके इसको पेस्ट करवा देते हैं। पेस्ट, पेस्टिंग के लिए थोड़ा सा टाइम ले सकता है, डिपेंड ऑन योर सिस्टम। ये देखिए यहाँ पे हमारा पेस्ट हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छे से पेस्ट हो गया। उसके बाद में हम नया लेयर लेंगे, यहाँ पे नया लेयर में जाएंगे। उसके बाद में सर्कल, सर्कल को जाएंगे, शेप एडिटर में सर्कल क्रिएट करेंगे। यहाँ पे मर्ज हाई करेंगे और सर्कल की जो भी साइज़ है वो डाल देंगे। यहाँ पे हमने हाइट ली थी मेरे हिसाब से 12 mm, तो यहाँ पे हम लोग सर्कल को डाल देते हैं। यहाँ पे हाइट 12 mm, 12 mm ना, 12 mm नहीं करते हैं, यहाँ पे करते हैं 4 mm का। ये देते हैं स्टार्टिंग हाइट देते हैं, और यहाँ पे 8 mm का इस तरह का करवा देते हैं। ओके, फोटो में देखने की ज़रूरत नहीं है फ़ोटो यहाँ पे। ओके, हाँ, ओके, ठीक है, इस तरह का करवा देते हैं। और इसको हम लोग अप्लाई कर देते हैं, कैंसिल। उसके बाद में ये जो चारों ऑब्जेक्ट है उनको सबको सिलेक्ट करके हमने यहाँ पे शेप एडिटर में गया, और इसको स्क्वायर करके इनसाइड सब्ट्रैक्ट करके इनसाइड ये दे दिया इस टाइप में, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा मैं बढ़ा देता हूँ, इस टाइप से दिखेगा। अभी इसके अंदर टूल जाएगा नहीं जाएगा मालूम नहीं है। टूल मतलब डिज़ाइन छोटा है, इसकी वजह से टूल जाने के लिए थोड़ी सी दिक्कत होगी, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम अभी मैन्युअली नहीं बढ़ा सकते, 1 मिनट। इसको मैं ऑफसेट कर लेता हूँ बाहर की तरफ, ठीक है ना, बाहर की तरफ हल्का सा ऑफसेट कर लेता हूँ, थोड़ा बढ़ जाएगा। ठीक है, इतना आधा mm का बाहर की तरफ ऑफसेट कर लिया। और शेप एडिटर को गए, हमने स्क्वायर को सिलेक्ट किया, और इस तरह से ये दिखने लग गया। ओके, ठीक है, नो प्रॉब्लम, टूल जाएगा इसके अंदर, ठीक है। ओके, ये चला गया, और इसको अप्लाई कर दिया, कैंसिल कर दिया। कैंसिल करने के बाद हम लोग को यहाँ पे भी फ़ोटो में अगर देखते हैं तो कुछ दिखता है, मे भी उसके ऊपर लाइनिंग कुछ दिख रही है, ठीक है। ओके, यहाँ पे भी थोड़ा सा बॉटम में लाइनिंग दिख रही है। वो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वो डिपेंड ऑन योर वर्किंग। तो इतना हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमने गैप इसलिए रखा कि आपका जो भी टूल वर्क बनेगा तो नीचे तक तो उतरेगा, तो वो खड्डा दिखेगा, थोड़ा सा गहरा दिखेगा, ठीक है। गहरा दिखेगा तो थोड़ा अच्छा लगता है गहरा दिखने के बाद, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको बॉर्डर को बंद करता हूँ, और यहाँ पे जो ये है मटेरियल को मैंने बंद कर दिया। तो यहाँ पे उसका आउटर वेक्टर क्रिएट करता हूँ, यहाँ पे क्रिएट बाउंड्री वेक्टर। यहाँ पे जाके हमने वेक्टर क्रिएट कर लिया, वेक्टर को सिलेक्ट कर लेते हैं, शेप एडिटर में जाते हैं, बॉटम हाइट 0.1 कर देता है, 0.1, यहाँ पे मर्ज। तो नीचे से बंद हो जाएगा, वो दिखाई नहीं देगा, ठीक है। ओके, इस तरह का। ओके, अप्लाई, कैंसिल। अभी देखो दोस्तों, देखने के लिए थोड़ा अजीब सा लगता होगा आपको, लेकिन उसका जब भी आउटपुट बनेगा ना, वो परफेक्टली नीचे टूल जाएगा, तो वो बहुत बेस्ट आउटपुट निकलेगा। देखने के लिए डिज़ाइन थोड़ा सा आपको लगता होगा, ये यार सर ने उधर गैप छोड़ दिया, वो अच्छा नहीं दिखेगा, लेकिन नहीं है। आपका जब भी टूल वहाँ पर जाएगा ना।